दोस्तों CBSE कक्षा 12 के इतिहास का पाठ 2 है, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। प्रश्न एक है, महापाषाण क्या है? तो नंबर एक, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में पाए जाने वाले पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे हैं। दूसरा, इन्हें कब्रगाहों के ऊपर रखा जाता था। शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरण और औजारों को दफनाया जाता था। प्रश्न दो है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है? उत्तर है, इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ। धर्म महामात कौन थे? सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी धर्म के प्रचार के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। प्रश्न चार, मौर्यों के बारे में जानने के लिए कोई दो स्रोतों के नाम लिखिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज का विवरण इंडिका, अशोक का अभिलेख। कुषाण कौन थे? चीन में रहने वाले एक कबायली जाति, मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक एक विशाल साम्राज्य में शासन। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाणों ने जारी किए थे। अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं व लिपियों में लिखे जाते थे? भाषा प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में और यूनानी भाषा खरोष्ठी लिपि में। मगध के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। महत्वाकांक्षी शासक जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद। लोहे की खाने, उपजाऊ मिट्टी, जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो सेना का महत्वपूर्ण अंग था। दो राजधानियां थीं, राजगृह किलेबंद शहर था, पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसी हुई थी। महाजनपदों की प्रमुख पांच विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। नंबर एक, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन था। प्रत्येक महाजनपदों की एक किलेबंद राजधानी होती थी। तीसरा, स्थायी सेना जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था और नियमित नौकरशाही। धर्मशास्त्र में शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण राजा क्षत्रिय वर्ग से। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूलना। प्रश्न नौ है, अशोक के धम्म के बारे में लिखें। अशोक के धम्म की विशेषताएं थीं, बड़ों का आदर करना, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर, धम्म महामात की नियुक्ति। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक कृषि क्षेत्र में हुए मुख्य परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग, गंगा की घाटी में धान की रोपाई, सिंचाई के लिए कुओं, तालाबों व नहरों का प्रयोग। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का प्रयोग। उपज बढ़ाने से के साधनों पर नियंत्रण के कारण बड़े बड़े जमींदारों और ग्राम प्रधान अधिक शक्तिशाली और किसानों पर नियंत्रण। शासक वर्ग भूमिदान के द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की नीति को अपनाया।
इतिहास की पुनः निर्माण में अभिलेख किस तरह सहायता करते हैं? अमेरिक शासकों एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी। दूसरा, लिपि और भाषा की जानकारी। भूमिदान और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी। साम्राज्य का विस्तार। सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी। प्रश्न 12 है, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, केंद्रीय शासन, राजा का नियंत्रण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेना तथा वित्त पर था। प्रांतीय शासन कई प्रांतों में बांट दिया गया था। स्थानीय शासन, पाटलिपुत्र नगर का शासन 30 सदस्यों के एक आयोग द्वारा किया जाता था। नंबर 4, राजा साम्राज्य को उच्च अधिकारियों की सहायता से चलाता था। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, कानून और व्यवस्था, संगठित सेना, मेगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात की नियुक्ति, भूमिकर, सिंचाई और सड़कों के प्रबंध के लिए विभिन्न अधिकारी होते थे। गुप्तचर विभाग बहुत सुदृढ़ था। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सम्राट के अधिकारी क्या क्या करते थे? मेगस्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते हैं, जैसा कि मिस्र में होता था। कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते हैं, ताकि वह हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते हैं। वे कर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ता का भी निरीक्षण करते हैं। तो प्रश्न 1 है, साम्राज्य के महान अधिकारियों के कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि का मापन करते हैं। कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते थे, ताकि हर स्थान पर पानी का समान पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते थे। शिकारियों के कृत्यों के आधार पर इनाम या दंड देते थे। कर वसूली करते थे। भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते थे। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहार और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते थे। सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए नियुक्त उप समितियों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। नंबर 1, सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समिति का उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है। इन उप समिति का नाम नौसेना, यातायात और खान पान का काम नौसेना, यातायात और खान पान, पैदल सेना, अश्वारोही, रथारोहियों और हाथियों का संचालन करना था। दूसरी समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार था। उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। अशोक ने अपने साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए क्या किया? अशोक ने धम्म प्रचार के लिए अपने साम्राज्य को एकजुट रखने की कोशिश की। धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। दोस्तों, पार्ट 2 यहीं संपन्न होता है। आगे मिलते हैं पार्ट 3 में। धन्यवाद।